ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए अंतरदेशीय जलमार्गों द्वारा कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता हर्ष रंजन। नमस्कार। देश में नदी जल मार्ग का बड़े पैमाने पर विकास किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से डिब्रूगढ़ तक देश के सबसे लंबे नदी जलमार्ग में क्रूज को रवाना किया और हम इसी विषय पर बात करेंगे कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं शिशिर कि जो नदी मार्ग है इसका देश में विकास हो रहा है, क्योंकि अगर अभी देखें 2014 के पहले तक तो बहुत सीमित संख्या में इस तरीके के वाटरवेज थे, लेकिन अब उसमें कई गुना बढ़ोतरी हुई है और हम आज उससे न सिर्फ यात्रा कर रहे हैं बल्कि सामान ढो रहे हैं। दो एस्पेक्ट्स में देखता हूं और आपकी विशेष टिप्पणी चाहता हूं इस पर। एक तो इसके आर्थिक पहलू क्या हैं और दूसरे फिर हम बात करेंगे सामाजिक पहलू पर। सबसे पहले अगर मैं आर्थिक पहलू की बात करूं, देश में इस समय 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं और जिनमें से सिर्फ 2 दर्जन यानी कि लगभग 24 का इस्तेमाल जो है इस समय हो रहा है, और उस 24 में भी अगर आप देखें तो ज्यादातर का इस्तेमाल जो है वो सामान के लाने ले जाने में हो रहा है। अब ये एक ऐसा मौका है जब बड़े पैमाने पर, इसे आप कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा रिवर क्रूज है जो कि लगभग 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा और 51 दिनों में यात्रा पूरी होगी, कई राज्य से गुजरता हुआ, कई नदियों से होकर के गुजरता हुआ ये जाएगा। तो इसका देखिए सबसे बड़ा आर्थिक पहलू क्या है, रोजगार के मौके। देखिए पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जो जॉब मल्टीप्लायर है, गुड्स के साथ साथ सर्विसेज में भी बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा करता है। तो जिन जिन राज्यों से, अगर मैं उत्तर प्रदेश से शुरू होकर के बिहार पे जाऊं और फिर बिहार से दूसरे राज्य से फिर पूर्वोत्तर में चला जाऊं, तो हर राज्य में जहां जहां ये पर्यटन की सुविधा विकसित होगी, और ये भी है कि वहां पर रुकेगा जहाज, वहां लोग उतरेंगे, वहां पर जो स्थानीय पर्यटक केंद्र है वहां पर जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि स्थानीय पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, अगर आप लागत देखें, सड़क मार्ग और रेल मार्ग से इसकी तुलना करिए, तो सड़क मार्ग से अगर आप तुलना करेंगे तो लगभग 3.5 गुना ये सस्ता पड़ता है, और अगर मैं रेल मार्ग की बात करूं तो 1/3 उसका पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि ये पर्यटन आपके लिए एक सस्ता भी है। दूसरा ये है कि अगर, जैसा मैंने कहा कि रोजगार के मौके हैं, और तीसरा इसकी वजह से लगभग 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की शुरुआत अलग अलग राज्यों में हुई है, जो कि रख रखाव की बात करें, चाहे जेटी के रख रखाव की बात करें, शिपिंग के रख रखाव की बात करें, इन सब चीजों के लिए 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। तो जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक क्रूज नहीं है बल्कि आर्थिक जो एक व्यवस्था है उसको गति देने का एक बड़ा माध्यम भी है। और इसके सामाजिक पहलू को भी शिशिर मैं देखता हूं, क्योंकि क्या है कि जैसे अगर हम वाराणसी की ही बात करें तो गंगा के उस पार अब तक हमें खाली दिखता था, वहां सिर्फ अगर साफ पानी के लिए कोई नहाने बोट से उस तरफ नाव से चला गया फिर वापस आना पड़ता था। लेकिन देखिए कि इसके फायदे क्या हैं, जैसे गंगा जहां जहां जिन शहरों से होकर गुजरती है नदी के दूसरी तरफ के इलाके भी विकसित हो रहे हैं। बनारस की बात करें वहां टेंट सिटी विकसित किया जा रहा है, इसी तरीके से बिहार में, इसी तरीके से झारखंड में, वेस्ट बंगाल में भी विकसित हो रहा है। तो इससे सामाजिक पहलू हम ये समझना चाह रहे हैं कि लोगों का एक तो आपस में मिलन होगा, आपने बताया है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जो माल ढुलाई हो रही है वो सस्ते होंगे, और लोगों को एक दूसरे से मिलने जुलने का अवसर भी प्राप्त होगा, एक दूसरे को कल्चर और हेरिटेज को भी समझने में सुविधा होगी। इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आपने जो आखिरी पंक्ति कही मैं उसी पंक्ति से शुरुआत करने वाला था कि पर्यटन जो है वो केवल एक व्यक्ति को दूसरे जगह पर ले नहीं जाता है बल्कि वहां की संस्कृति से परिचय कराता है, वहां के समाज से परिचय कराता है। तो हम जिन राज्यों की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, या पूर्वोत्तर की बात करें, और बीच में बांग्लादेश की भी बात है, अगर मैं सिर्फ भारत के 3 अलग अलग क्षेत्रों की बात करूं, वहां की संस्कृति को समझना, जिसके बारे में चर्चा तो होती है लेकिन उस तरह की समझ जिसे कहा जाए कि विकसित नहीं हो पाई है। हमारे बहुत सारे ऐसे पर्यटन के स्थल हैं बिहार में जिनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर मैं नालंदा विश्वविद्यालय की बात करूं जो अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखता है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसको समझने का एक बड़ा मौका है। तो ये आर्थिक पहलू तो महत्वपूर्ण है निश्चित तौर पर, लेकिन हमें उसके साथ साथ सामाजिक पहलू और खास तौर पे संस्कृति को समझने का जो एक अवसर है वो सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और जैसा अभी आप बता ही रहे थे कि 111 इस समय वाटरवेज हमारे पास हैं, इसमें से 2 दर्जन पे हम अभी काम कर रहे हैं। आप क्या देखते हैं कि बाकी का जो विकास हो रहा है इसमें कहीं कुछ चुनौतियां हैं
और सारे विकसित हो जाएं, उसके बाद हम आराम से उसमें क्रूज का भी इस्तेमाल कर सके, माल ढुलाई भी कर सके, चुनौतियों के रूप में आप क्या क्या देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है कि जिस जलमार्ग पे भी एक मैकेनाइज व्हीकल का चलना होता है, उसके लिए गहराई एक निश्चित चाहिए होती है और गहराई एक निश्चित चौड़ाई में चाहिए होती है। तो कई बार क्या होता है कि कई जो हमारे जो जलमार्ग है उनमें उस तरह की गहराई नहीं है ज्यादा दूरी तक, और उस तरह की चौड़ाई में वो गहराई नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास एक कंपनी है जिसका नाम ड्रिजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। ड्रिजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का काम ही यही है कि किस तरीके से वो गहराई तैयार करे। आपको मैं बताऊं कि प्रयागराज के आसपास में काफी अच्छा काम हुआ है, जिससे कि जो एनटीपीसी का जो कोयला है वो वहां के प्लांट तक उस मार्ग के जरिए पहुंच पाता है। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जलमार्ग को जो मैकेनाइज व्हीकल है उसके लिए तैयार करना, और उसके लिए आपके पास जरूरी है कि जरूरी गहराई हो और चौड़ाई ठीक ठाक हो। और अगर आप देखिए, लगभग 20,000 किलोमीटर का कुल रास्ता उपलब्ध है हमारे पास, और उसमें से हम इस्तेमाल कितना कर रहे हैं, मुश्किल से 5,000 किलोमीटर का। बाकी क्यों नहीं कर पा रहे, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि छोटे छोटे इलाके में आप चला तो सकते हैं, लंबी दूरी तक जहाज को नहीं चला पाएंगे या बराज को नहीं ले जाएंगे। तो जब वो नहीं कर पाएंगे तो ना तो माल की ढुलाई हो सकती है और ना ही पर्यटन आपका उसके जरिए चल सकता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर गंगा की ही बात करें तो गंगा कई जगहों पे या तो उनके घाट सिकुड़ गए हैं या कहीं गंगा ने अपनी धार बदली है और काफी छिछला पानी वहां साल के कई महीनों में हो जाता है। तो ये एक बड़ी चुनौती है, और इसे नदियों को जोड़ने की जो समेकित नदी विकास परियोजना है उसमें भी फायदा होगा, क्योंकि एक नदी को दूसरे नदी से जोड़ने का जो कार्यक्रम है वो भी वर्षों से चल रहा है। अब आपको लगता है कि उसमें भी तेजी आएगी और नदियों का जो जल स्तर है वो बना रहेगा? इसके दो पहलू हैं। एक जो महत्वपूर्ण पहलू है नदियों को जोड़ने की, जहां तक बात है, उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत जरूरत होती है, और चूंकि वो एक राज्य सरकार के विशेषाधिकार में आता है, तो जब तक दो राज्य सरकारें राजी ना हो तो आप दो नदियों को नहीं जोड़ पाते हैं। लेकिन अभी भी एक सहमति बन गई है, और दूसरी बात यह है कि हम सभी जानते हैं कि जो मानसून की चाल है हमारे देश में अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की होती है। अचानक पता चलता है किसी इलाके में बाढ़ आ गई, किसी इलाके में सूखा पड़ गया, और बाढ़ और सूखे के बीच का संबंध इस रूप में भी देखा जाता है कि जहां पानी की जरूरत ज्यादा है उतनी पानी की उपलब्धता नहीं है। तो आपके जैसे जैसे नदियों के इंटरलिंकिंग का काम चलेगा वो इस परेशानी से, इस समस्या से निपटने में काफी हद तक मदद करेगा। बिल्कुल, एक आंकड़े के अनुसार देश में 125 से ज्यादा नदियां और नदी धाराएं हैं, और अगर इनको जोड़ने का काम आगे आने वाले समय में किया जाए तो काफी कुछ हो सकता है। अब ये जो वाराणसी से डिब्रूगढ़ का रिवर क्रूज चला, इसमें 27 नदी प्रणालियां हैं जिनको वो पार होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये एक अच्छी है कि 125 जो जल धाराएं हैं उनमें से 27 में तो हम देख पा रहे हैं कि पानी है और पानी मेंटेन भी रहेगा, क्योंकि इस पे सरकार काम कर रही है और जितने भी राज्य हैं वो भी उसमें पूरी अपनी गति से काम कर रहे हैं। लेकिन देश में बाकी जो हिस्से हैं उनमें भी जो काम चल रहा है, और आने वाले जो 111 की हम फिगर की बात कर रहे हैं, क्या आप भविष्य में ऐसा परिदृश्य देख रहे हैं कि कोई चीज ओडिशा से चले और गुजरात तक पहुंच जाए, बनारस से चले और नीचे तमिलनाडु तक पहुंच जाए? बिल्कुल, देखिए कई बार क्या होता है कि आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि तमिलनाडु में जो ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज हैं वो समुद्र किनारे पे हैं। वो क्यों समुद्र किनारे बने? ताकि उनको अपने जो प्रोडक्ट है उनके ट्रांसपोर्टेशन में उनको काफी आसानी हो। अब जिन राज्यों में समुद्र नहीं है, जैसे बिहार जैसा राज्य है जहां पर समुद्र का रास्ता बहुत दूरी पे है, लेकिन वहां पर नदियां उपलब्ध हैं, अगर हम उन नदियों को विकसित करते हैं तो बिहार में औद्योगिक विकास की जो संभावनाएं हैं उनके दोहन करने में आसानी होगी, क्योंकि वहां से सामान के लाने ले जाने के लिए आपको रेलवे या फिर आपकी बंदरगाह तक पहुंचने के लिए एक रास्ता तो है ही, लेकिन जलमार्ग अगर बन जाएगा तो उससे लागत कम होगी। तो उद्योगों के लिए उन राज्यों में जहां पर समुद्री रास्ते उपलब्ध नहीं है, नदियां उपलब्ध हैं, वहां पर नदियों के, जिसे कहा जाए कि जलमार्ग अगर विकसित होता है, वहां पर औद्योगिक विकास की संभावनाएं काफी अच्छी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर सिन्हा आपका आकाशवाणी से बात करने के लिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।